मेजर जनरल यान कार्डोज भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी हैं। वह एक बटालियन और एक ब्रिगेड की कमान संभालने वाले भारतीय सेना के पहले दिव्यांग युद्ध अधिकारी थे। बात करते हैं उनके जीवन की शुरुआत और सैनिक बनने के सफर की। बचपन से ही एक आम घर के बच्चे थे और एक सामान्य जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन उनके सपने कभी आम नहीं थे। बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की तमन्ना लिए और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होना अपना मकसद बना लिया। यान को बचपन से ही पता था कि सेना के जरिए ही वह अपने देश के लिए कुछ कर सकता है, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र से ही इसके लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सीधे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लिया। यहीं से उनका सेना का सफर शुरू हुआ। यान ने कुछ ही वर्षों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, लेकिन इसके बाद वह सीधे भारतीय सैन्य अकेडमी में शामिल हुए। वह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी बटालियन 4x5 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए। उनके रेजिमेंट उन्हें कार्टून साहिब के नाम से बुलाया करती थी, क्योंकि सेना के जवानों के लिए उनके नाम का सही उच्चारण करना मुश्किल था। युद्ध के समय कार्डोज ने एक बारदू सुरंग पर कदम रखा और उसका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण उन्होंने अपने साथियों से पैर काटने के लिए बोला। हर कोई हैरान था, यान अपने पैर को काटने के लिए कैसे बोल सकता है। अंत में जब कोई इस काम के लिए राजी नहीं हुआ तो यान ने खुद इसे करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी खुकरी ली और बिना किसी हिचकिचाट के पैर काट दिया और सामने खड़े सिपाही से कहा कि पैर मिट्टी में गाड़ दो। यान के इस काम को देखकर हर कोई हैरान रह गया। शायद एक फौजी ही देश की खातिर इतने दर्द को सहते हुए भी युद्ध में बने रहने के लिए ऐसा जज्बा दिखा सकता है। यह उसका देश के प्रति लगाव था जो उसने अपना पैर काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। बाद में उनकी यूनिट ने पाकिस्तान के एक सर्जन को पकड़ लिया जिसने कार्डोज के पैर का ऑपरेशन किया। गोरखा रेजिमेंट के मेजर कार्डोज ने युद्ध में अपना पैर गंवाने के बाद जीवन में कभी हार नहीं मानी। मेजर कार्डोज बटालियन के कमान संभालने वाले भारतीय सेना के पहले दिव्यांग अधिकारी बने। सरकार ने उन्हें पाक युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए सेना पदक से सम्मानित किया। यान कार्डोज आज भी जिंदा है और 84 साल के हैं। वीर योद्धाओं की वीरता की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।